हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, उसके लिए आप बताओ। क्योंकि रिसर्च पेपर का यूट्यूब पे मैंने देखा कि कुछ है नहीं खास, कैसे स्टार्ट करेंगे बिगिनर्स, कैसे उन लोगों को किस टॉपिक को चूज़ करना है, क्या करना है, कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों के लिए ये अपना रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं वो लेकर के आई हूँ, और ताकि यकीन भी हो जाए कि ये सही रिसर्च पेपर है। तो मैं आपके सामने सर्टिफिकेट भी थंबनेल पर मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है, ठीक है। सो गाइस, अब बीटेक में भी कंपलसरी कर दिया है रिसर्च पेपर के लिए, और एमटेक वालों को भी करना पड़ता है और पीएचडी वालों को भी करना पड़ता है। तो जिस जिसको नहीं पता है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी रिसर्च पेपर हमें लिखना है, सपोज जो बीटेक वाले हैं वो तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लिख सकते हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट उनका खुद का है, कहीं से भी उन्होंने कुछ कॉपी वगैरह नहीं किया हुआ है। तो फिर मेरा ये प्रोजेक्ट खुद का था, कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं था, तो उसके ऊपर ही मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को टॉपिक चूज करना होगा, जो भी आपका टॉपिक आपको चाहिए अपने रिसर्च पेपर के लिए। सी मेरा था टेक्निकल, तो फिर मैं टेक्निकल मेरा मेरा प्रोजेक्ट था, तो उसी के ऊपर मैंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले आपने अपने खुद के चूज़ कर लिए, किसी का कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। लेकिन अब जब मेरा टेक्निकल था तो मैंने यहाँ अप्लाई किया था स्प्रिंगर में, ठीक है, जो कि ये है, आप देख रहे होंगे, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डेटा माइनिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्योंकि मेरा आईओटी बेस्ड ये था, हैंड रिटन सिग्नेचर वेरिफिकेशन यूजिंग आईओटी, ये था मेरे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से आप लोगों को आपके मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ नाम भी ऐसा ही देना है, और वैसे ही आपको रिसर्च करके लिखना भी रहेगा, ठीक है। ये था सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय, यहाँ पे नेम लिखे हुए थे जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया है, सबका नाम मैं नहीं शो कर सकती, ठीक है। फोर लोग, चार लोग थे इसमें हम लोग। थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर टाइटल दिस दिस दिस, ठीक है, एंड 2nd to 4th जुलाई कोलकाता में हमारा ये मतलब ऑनलाइन ही हमारी प्रेजेंटेशन हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना वाला टाइम चल रहा था इसलिए। सबसे पहले आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट कीवर्ड्स लिखने होंगे, मैं भी आपको ये सब चीज़ें पहले ब्रीफली बता रही हूँ, उसके बाद आपको शो करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों को क्या लिखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों को लिखना होता है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में किया क्या है, उसकी मतलब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में आखिर में है क्या। क्योंकि उसको सबसे पहले सब लोग एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट से ये पता चल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है, पूरा सारा रिसर्च पेपर में आपका क्या है, ठीक है। तो वो 7 से 8 लाइन में आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि जो पढ़ रहा है उसको पूरा पूरा आपका रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो पहले एब्स्ट्रैक्ट देख करके ही पता कर ले कि ये मतलब पब्लिश के लायक है भी या नहीं, ठीक है। एंड उसके कीवर्ड्स, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कीवर्ड्स लाइक, जैसे मेरे में अब आईओटी में था, कुछ मैंने रसबेरी पाई यूज़ किया था तो वो हो गए उसका कीवर्ड्स, मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया था, इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी कीवर्ड बनेंगी, ठीक है। फिर आप क्या देंगे अपने रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट यू विल गिव लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे क्या होता है,
आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड आपके पास्ट में किस किस ने क्या क्या प्रोजेक्ट बना रखा है। देखिए, सबका अपना अलग तरीका होता है। मैंने अपना अलग तरीका ये चूज़ करके अपने मैंने खुद से किया था कि मैं उसमें लिटरेचर सर्वे लिखूंगी। आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप उसकी जगह कुछ और कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिटरेचर सर्वे लिखा था। लिटरेचर सर्वे में मैंने हिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि मेरा नया था, तो मैंने उसको भी उस पर लिखा कि मतलब हिस्ट्री में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर में हो, या तो सॉफ्टवेयर की ही थी या हार्डवेयर की थी। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर करके यूज़ करता था, ठीक है। एंड देन कंपेरेटिव स्टडी भी लिखती कि क्या क्या पहले की चीज़ों में खामियाँ थी और मैंने उसको रिजॉल्व किया अपने न्यू टेक्नोलॉजी ला करके, ठीक है। और फिर प्रपोज्ड वर्क जो हम मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया वो लिखेंगे। फिर उसके डेटा सेट, डेटा सेट मतलब डेटा बेस क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी। फिर आप लोग लिख दोगे उसमें इम्प्लीमेंटेशन, क्या कैसे आपने उसमें इम्प्लीमेंट किया, क्या एल्गो लगाई या क्या कुछ किया, उसको आप लिख दोगे। फिर आएगा आपके प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट। फिर आपने रिसर्च पेपर में फ्लो चार्ट लिखना है कि हमने जो रिसर्च पेपर लिखा है वो जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट के ऊपर था लेकिन आप जैसे किसी और चीज़ के भी लिए लिख सकते हो ना, तो उसका फ्लो चार्ट हमें बनाना रहता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, ठीक। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपका प्लाग नहीं आना चाहिए। आपका जो पूरा रिसर्च पेपर है वो 100% प्लाग फ्री आना चाहिए, वरना वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। 100% प्लाग फ्री होना चाहिए आपका रिसर्च पेपर। उन लोगों को पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि वो लोग तुरंत पता लगा लेंगे कि आपका ये एक दो लाइन भी अगर आपकी उस पूरे रिसर्च पेपर में आपकी कॉपी पेस्ट है, तो वो लोग उसमें आपको रेड रेड करके आपको वापस भेज देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, ऐसे करके ये था। अब आप देख रहे होंगे इसका फॉर्मेट कैसा है, तो फॉर्मेट हमें उनके अकॉर्डिंग ही लिख रहता है। कैसे उन्होंने क्या फॉर्मेट मांगा है, क्या लेफ्ट में, क्या राइट में, किस फॉर्मेट में, तो उसी तरीके से हमें उनके करके देता रहता था। अब सोच रहे होंगे ना ये लेफ्ट में क्यों भाग रहा है, ये भाग नहीं रहा है, ये ऐसा करने को ही दिया हुआ रहता है। उनकी जो हमें वो दी रहती हैं इंस्ट्रक्शंस जो दी रहती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको उस फॉर्मेट में करके देना होता है, ठीक है। तो क्या नाम था रिसर्च पेपर का, हैंड रिटन सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम यूजिंग IoT। फिर उसके बाद चार लोगों ने ये मिलकर के किया था। खैर किया तो दो लोगों ने ही था, नाम वो टीचर्स का लिखना पड़ता है इसलिए लिखना पड़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। मैं आपको ये हेल्प करने के लिए आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि आप लोग इसी को कॉपी पेस्ट करके स्टार्ट कर दो। क्योंकि उसमें मेरा फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान जरूर होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में देखो जैसे कि द ट्रेडिशनल वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर इज मैनुअल विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन। द एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर इज डन बाय द पर्सन हु इज देयर फॉर वेरिफिकेशन। इन डे टू डे लाइफ द पर्सन हु इज देयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कैन फेस प्रॉब्लम ऑफ सिग्नेचर वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइंग ए चेक सिग्नेचर और एनी डॉक्यूमेंट फॉर लीगल ऑथेंटिकेशन और एनी टाइप्स ऑफ सिग्नेचर ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट विच टेक्स टू मच टाइम। इफ देर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू एनालाइज एंड वेरीफिकेशन, द वेरीफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। सो सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन एंड वेरीफिकेशन रेस्पेक्टिवली। इट यूजेस हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, आउट ऑफ विच हार्डवेयर इंक्लूड कॉम्पोनेंट लाइक रस्पबेरी पाई, कैमरा, फ्लैश लाइट, स्विच एंड सॉफ्टवेयर पार्ट विच यूज डिफरेंट लैंग्वेज लाइक पाइथन, PHP, डिफरेंट एल्गोरिदम टू रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई द सिग्नेचर। एक्यूरेसी ऑफ द वेरीफिकेशन इंक्रीज विद इंक्रीज क्वालिटी ऑफ कैमरा एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय यूजिंग फ्लैश लाइट। दिस पेपर इज बेस्ड ऑन एल्गोरिदम विच इज यूज इन मशीन लर्निंग दैट यूजेज द CNN एंड साइमस नेटवर्क फॉर सिग्नेचर वेरीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेन डेटा सेट एंड ऑल्सो यूज द प्री डिफाइंड सिग्नेचर डेटा सेट दैट हेल्प इन क्रिएटिंग पैटर्न फॉर वेरीफिकेशन। तो आप लोगों को ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम है हैंड रिटन। जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं बैंक में और आपने साइन किए हैं, तो उसके लिए वो लोग पहले आपका
स्कैम करेंगे, मतलब स्कैम नहीं करते वो लोग, वो लोग तो क्या करते हैं, मिलाते हैं अपना, उस पे निकाल लेते हैं पीसी पे, वहां पे साइन देखते हैं और आपने क्या किया वो देखेंगे, तो इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम बनाया था, जिससे कहते हैं वो अपने आप ही हल्का सा इसे स्कैन करे, और अपने आप ही अगर वो सही है, एक्यूरेट है, तो अब बस ग्रीन लाइट जो है वो ग्लो कर दे, अदरवाइज रेड लाइट ग्लो कर दे अगर मैच नहीं करता है, बस इतना सा हो जाता था। सिर्फ ऐसे आपका जो जो भी आपने बनाया है उसको बस स्कैन करने के लिए स्कैनर से स्कैन करो और वो अपने आप पता लगा ले, ठीक है? तो उससे टाइम भी बहुत बच रहा था। जी, ये था प्रोजेक्ट। फिर आप लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो भी है आपका, ये तो मेरा था। सो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग क्या करेंगे, लिटरेचर सर्वे, ये है इस तरीके से लिटरेचर सर्वे लिखेंगे, पॉइंट्स में रहेगा ये सब कुछ, सेकंड पॉइंट ये लिटरेचर सर्वे है, ठीक है? और फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी क्या रिसर्च पेपर है, जैसे कि पहले का ये रिसर्च पेपर है, उस टेक्नोलॉजी का नाम लिख दिया है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन और उसकी लिमिटेशन क्या है ये लिख दिया हमने, ठीक है? तो उसके बाद ऐसे ही सारी चीज़ें जो भी मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो सब लिख दिया है, उसके बाद लास्ट में अपना लिख दिया है और उसकी भी लिमिटेशन लिख दी है, ठीक है? तो ये हो जाती है आपकी कंपेरेटिव स्टडी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रपोज्ड वर्क, ठीक? आप लोग इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? प्रपोज्ड वर्क क्या होता है, दिस सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड इन द फ्यूचर बाई एडिंग मोर फीचर्स लाइक बायोमेट्रिक सेंसर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस सर्वर। आप इसको यूज करके और क्या क्या आगे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपको प्रपोज्ड वर्क के लिए, ठीक है? सपोज आपको इसको एनहांस करना है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको एनहांस करके नई नई चीजें आपको प्रपोज करनी है, तो इस तरीके से करना है। फिर उसमें आप लोग क्या क्या अपने एल्गोरिदम या क्या क्या चीजें यूज करेंगे वो सब आप इसमें लिख सकते हैं प्रपोज्ड वर्क में। फिर डेटा सेट आप लिख देंगे उसमें, ठीक है? अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट के और आपके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही होगा। रिसर्च पेपर ये तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है ना, इसलिए ऐसे है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि मेरा मैं रेस्पबेरी पाई यूज़ हुआ था, कैमरा, फ्लैश लाइट, वेब, वाईफाई सर्वर, ये सब चीज़ें यूज़ हुई थी। फिर उसके बाद डेटाबेस भी यूज़ हो रखा था, ठीक है? इस तरीके का वेब पेज भी बनाया हुआ था, ये देखो इस तरीके का मेरा जो बना हुआ था, क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट का जो पार्ट बनाया था कनेक्ट करके रेस्पबेरी पाई से, ये रेस्पबेरी पाई है इसके अंदर, और लाइट वगैरह भी ग्लो होती है, ये सब चीज़ कनेक्ट थी सॉफ्टवेयर से, ठीक है? ये ऐसा पहले कुछ भी ऐसा था नहीं, ये हमारा खुद का था, ठीक है? हमने खुद बनाया हुआ है ये, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन ये सच है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसका, कि जैसे कि स्टार्ट करेंगे आइडल रहेगा कुछ देर तक, ठीक है? जैसे ही प्रेस बटन करेंगे तो जो रेस्पबेरी पाई का कैमरा है वो इमेज को कैप्चर कर लेगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेगा सिग्नेचर को, अगर मैच होता है तो ग्रीन लाइट चल जाएगी, अगर मैच नहीं होता है तो रेड लाइट जल जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर तो उसके बाद कंक्लूजन रहेगा, फ्यूचर स्कोप आप लोगों को लास्ट पॉइंट लिखना रहेगा, लास्ट में आपको रेफरेंस लिखने रहेंगे। रेफरेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑलरेडी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है कि प्लैगरिज्म फ्री होना चाहिए, प्लैगरिज्म फ्री होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? कोई भी प्लाग नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अगर बहुत सारे व्यू आते हैं, तब मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि प्लाग कैसे चेक करना है और रेफरेंसेस कैसे हमें इसमें देने रहते हैं, क्योंकि रेफरेंसेस का मैंने देख लिया, एक भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर नहीं है, एक्चुअल जो हम लोग रेफरेंस देते हैं किसी ने भी नहीं बता रखा है कि किस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है। अगर ये वीडियोस ज़्यादा लोग देखते हैं, अगर इस पे व्यू आते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, मैंने भी बहुत सारा मटेरियल ये अपने निकाल करके उसके बाद ही आप लोगों के लिए आज टाइम निकाल करके बताया है, ठीक है? तो अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी बना दूंगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी।